अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं जन्नत किचन विद आयशा। आज मैंने अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सी फिश कड़ी बनाई हुई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और टेस्टी रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और अच्छी तरीके से बन जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 kg इसमें फ़िश लिया हुआ है। फ़िश के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 tsp सॉल्ट और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 tsp हल्दी। नमक वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जितना कम ज़्यादा खाते हो उस हिसाब से रख सकते हो। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बेसन का, ये चने का बेसन है बस। अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं अच्छे से, बेसन और मसाले अच्छी तरीके से आपस में मिल जाए। देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है मैरिनेशन के लिए, इसे आधे घंटे के लिए हमें रखना है। आधा घंटा हो चुका है, फिश हमारी मैरिनेट हो चुकी है। तो चले हम मसाले की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेवी तैयार करनी है हमें। ग्रेवी के लिए मैंने मिक्सर का जार ले लिया है। जार में मैं ऐड कर रही हूँ 1 medium size का अनियन, थोड़ा सा बड़ा है मतलब मीडियम से थोड़ा सा लार्ज। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 tomatoes मीडियम साइज़ के हैं ये। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये 25 से 30 लहसुन की कलियाँ हैं। 1 tsp ज़ीरा ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 tsp राई। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नारियल, ये 1 टुकड़ा नारियल है, जैसे अखा नारियल होता है उसका 1/4 वाला एक भाग है उसका, तो मैंने इसे बारीक से चॉप कर लिया है। बस मैं इसे ऐड कर रही हूँ इसमें और इसे मतलब अच्छे से बारीक पीसना है हमें। कढ़ाई ले ली है मैंने, कढ़ाई को अच्छे से गर्म करना, गैस का फ्लेम हाई है मेरा, बस गैस का फ्लेम हाई है। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 cup ऑयल लिया था उसमें से मैं 1/3 बचा रही हूँ, बाकी मैं इसमें सारा ऐड कर रही हूँ। तेल गर्म हो रहा है, तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 tsp ये मेथी दाना है। इसे अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक हल्का सा मतलब पका लेना है, राय अच्छे से मतलब पक जाए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 10 से 15 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते मैंने ऐड कर दिया है, बस हल्का हल्का इसे सेक लेना है ताकि ये पक जाए, इसका भी रॉ स्मेल निकल जाए। कड़ी पत्ते अच्छे से पक गए, जो मसाले हमने पीस के रखे थे अब मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ। सारा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, गैस का फ्लेम लो कर देंगे, बस इसे अच्छे से भूनते हुए। इसमें मैं कुछ और मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ, सूखे मसाले हैं ये, 1 tsp सॉल्ट। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये रेगुलर लाल मिर्च है 1 tsp और 1/2 tsp कश्मीरी लाल मिर्च है, कलर के लिए मैंने यूज़ किया है, ऑप्शनल है। 1 tsp हल्दी है और 1 1/2 tsp धनिया पाउडर है। आप अपने हिसाब से मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं कम ज़्यादा करके। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर लें। बस हमें इस मसालों को अच्छे से पकाना है। देखिए मसालों में थोड़ा थोड़ा उबाल आ रहा है, मैं गैस का फ्लेम एकदम लो करके इसे हमें ढककर पकाना है एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक। फिर उसके बाद हमें देखना है कि इसका क्या हाल है। तो चलें इसको पका लेते हैं 10 से 15 मिनट तक। दूसरी तरफ मैंने तवा रख दिया है फिश को फ्राई करने के लिए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो 1/3 cup ऑयल मैंने बचा लिया था वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। बस तेल गरम हो जाए इसमें हम अपनी फिश ऐड कर देंगे।
दोनों तरफ से इसे सेक लेना है, ज़्यादा इसे नहीं सेकना है, मतलब पकाना नहीं है अच्छी तरीके से, बस इसका मतलब इसकी स्मेल निकल जाए, कच्चा पक्का इसे हमें फ्राई कर लेना है। सारी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस फिश हमारी अच्छे से तल जाए। देखिए मैंने फिश तल के निकाल लिया है, बाकी जो बची हुई है हमें इसी मेथड से इसे फ्राई कर लेना है, हल्का हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। चले हम मसाले की तरफ बढ़ते हैं। मैं ढक्कन खोलती हूँ इसका। देखिए मसाले अच्छी तरीके से भून गए हैं, बहुत अच्छा कलर आया है इसका, अच्छे तरीके से भून गए हैं, इसका पानी वगैरह अब्जॉर्ब हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑन करते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अपने हिसाब से ग्रेवी, ग्रेवी के अंदर मैं पानी अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, चाहे आप जितना मतलब पतला खाते हो, और थिकनेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो कितना चाहिए आपको। मैं 1 कप लिया था ऑयल, सॉरी पानी, 1 कप पानी लिया था मैंने इसमें, और मैंने सारा ही ऐड कर दिया है। मुझे हल्की सी इसमें थिकनेस चाहिए, ज़्यादा मतलब पानी नहीं रखूँगी मैं, शोरबा ज़्यादा नहीं रखूँगी, बस हल्का सा मसाला रहे इसमें। मसाला हल्का हल्का बॉईल हो रहा है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारी तली हुई फिश, सारी इसमें ऐड कर देंगे हल्के हाथों से। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई करें, ये मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने आज तक जब भी अपने घर पे बनाया है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, इवन बाहर के जो लोग आते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप ज़रूर ट्राई करें, सेम इसी मेथड से आप बनाएं। आप चाहे तो इसमें नींबू ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया क्योंकि टमाटर का खट्टापन मतलब सालन में आ जा रहा है। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा खटास चाहिए तो नींबू आप ऐड कर सकते हैं, या आप कोकम के पानी को ऐड कर सकते हैं, कोकम हल्का सा पानी में भिगा के और वो पानी आप ऐड कर सकते हैं। बस हमारी फ़िश बन के तैयार है, देखिए कितनी अच्छी और बहुत ही मज़े की लग रही है, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। ऐसी फिश आप बार बार बना के खाएंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करें, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और ज़रूर से ज़रूर अपने घर में इस मेथड से बनाएं। देखिए इसका टेक्सचर, ये फिर बहुत ही मज़े की बनी है, आप इसे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।